Yay! चलो आ जाओ। अब मेरी बारी। अब तुम्हारी बारी। यहाँ आओ, यहाँ जम आराम से। बहुत जबरदस्त, शाबाश। इधर आओ मेरी जान। अब क्या करना है, फिर से खेलें क्या? अब अम्मी खेलेंगी। अम्मी चले आए खेलें। तुम भी आओ ताकि पता चले तुम्हें खेलना आता है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं आता, मैंने आज तक नहीं खेला। कोई बात नहीं, अगर तुमसे सही नहीं हुआ तो हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं आता था, फिर बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे भी सिखा दिया, तो अब हम आपको भी सिखा देंगे, है ना बाबा? हाँ मेरी जान, लेकिन तुम बहुत ज़हीन हो इसलिए तुमने फौरन समझ लिया। यानी आपका मतलब कौन ज़हीन हूँ मैं? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये बहुत ही आसान है, आपको बस बॉल के जरिए वो गिराने होंगे। बाबा आपको सिखा देंगे जब तक मैं जूस पी रही हूँ। ये अब इतना भी मुश्किल नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? लाओ ये इधर मुझे दो। लगता है पहले मुझे तुम्हें इन बॉल्स के बारे में बताना पड़ेगा। देखो ये वाली लो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है? ठीक है। अब इसे यहाँ से पकड़ो। समझ गई हूँ मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको खुद से खेल के दिखाऊंगी। रुको, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तरबूज की तरह नहीं फेंक सकती इसे। इधर लाओ, ये वाली उंगली और ये उंगली इसके ऊपर होनी चाहिए और अंगूठा इस खाने में। ठीक है, सब क्लियर है? अब ये गिरेगी तो नहीं? समझ गई मैं। हाँ छोड़ो। छोड़े? शाबाश, ठीक है। फेंक रही हूँ। देखो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वहाँ जो 10 पिन्स हैं वो नजर आ रही है ना तुम्हें? उनमें बीच वाली पिन पर नजर रखो। अगर तुमने उसे स्ट्राइक कर दिया तो बाकी सब खुद गिर जाएंगी। ठीक है। क्या तुम तैयार? एक, दो, तीन। ये जबरदस्त। अरे मेरी जान, कैसे जबरदस्त शॉट मारा था मैंने, सारे गिरा दिए। जब मैंने गिराया था क्या हुआ था? अम्मी ने कितना अच्छा खेला, सब गिरा दिए मेरे। बहुत खूब। वैसे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, हर चीज तो अपनी ही जगह पे ही है। इस घर का ख्याल कौन करता है? मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा वाकई? हाँ। वैसे मैं तो नई नवेली दुल्हन को भी पूरे नंबर नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा मुनफरिद सा है, मैं मुश्किल से ही नंबर देती हूँ। लेकिन आपने ये सब कुछ अच्छा किया है। हाँ, आइसक्रीम वैसे कैसे बनाया है? राज को राज ही रखते हैं हम। हाँ, अगर तुम नहीं बता रहे तो इसमें से मैं एक चम्मच खा के बता सकती हूँ इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अम्मी भी बनाया करती थी मेरी। अगर ये बात है तो ये लो, खाकर बताओ कि कैसा है। इधर दो मुझे। ये बात तो पक्की है, इसमें गाय का दूध शामिल किया है ना? 3 चम्मच मक्खन की भी डाले होंगे। क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ नहीं नहीं नहीं, मक्खन थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, बस थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें महक सी आ रही थोड़ी मक्खन की, इसलिए कहा मैंने। तो इसे बनाने में काफी माहिर लगती हो। कहा तो था, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, ये हमारी रेसिपी बेहतरीन ही होगी। बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन मेरी रेसिपीज भी किसी से कम नहीं है। मुकाबला कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो पहले तुम्हारे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाऊंगा मैं। सच कहूँ तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बनाकर लेके आऊंगी। तो फिर देखते हैं। देख लेना। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अंकल, आज के दिन तो बहुत ही मजा आ गया। लगता है तुमने बहुत मजा किया आज, इसलिए इतने खुश नजर आ रही हो ना? पता है अम्मी को तो खेलना भी नहीं आ रहा था, बाबा ने सिखाया है अम्मी को।
अरे क्या वाकई? अम्मी आपको पता है आज हम एक और चीज करने वाले हैं। क्या? खाना खाने के बाद हम एक साथ मिलकर मूवी देखेंगे। हाँ लेकिन मैं अभी मूवी नहीं देख सकती क्योंकि अभी मुझे बहुत जरूरी काम करना है। क्या बिल्कुल गुंजाइश नहीं तुम्हारे पास? अगर तुम अपने काम मंसूख कर दो तो हम मायरा डे को अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। ठीक है फिर मायरा के लिए मैं अपने जरूरी काम बाद में कर लूंगी। जबरदस्त। ठीक है जानती हो तुम्हारे लिए क्या बनाया है मैंने? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनते ही तुम मुझे भूल जाती हो। चलो चलते हैं। अब बताएं मुझे क्या करना है। क्या? क्या आपने माहिर नफ्सियात के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी? नहीं कैंसिल तो नहीं की मैंने। क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? 3 महीने सिर्फ माहिरा के लिए? हाँ मैं माहिरा के साथ रहना चाहती हूँ। पैसे तो आप दे ही चुके और पैसों की बात नहीं है, कर्ज तो कर्ज होता है, मगर बस एक मौका चाहिए मुझे। अच्छा तो तुम्हें यह पढ़ाई करनी थी बेटा। हाँ अगर तुम इसमें शामिल ना होती तो ज्यादा हैरत होती। तुम पे भरोसा करना मेरी भूल थी। ये क्या हैरी तुम भी? तुम्हें पता है ना तुम्हारी हांदे आंटी हमसे कितना प्यार करती हैं। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने क्या किया माहिरा? उनकी गाड़ी पेंट से खराब कर दी। तुमने देखा वो कितनी परेशान हो गई थी लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। अगर बुरा लगा है तो ना आए हमारे पास। ये क्या तरीका है? तुम्हारी हांदे आंटी कई सालों से यहां आ रही हैं और वो आगे भी आती रहेंगी। अगर किसी को हमारी वजह से परेशानी हो तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर हमें? जवाब है तुम्हारे पास कोई? हमें माफी मांग लेनी चाहिए अगर हमें पता चले कि वो हमसे नाराज है तो। और हमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है जो हमने कभी एक दूसरे से नहीं बोला? एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया माहिरा? मुझे जवाब दो। मैं नहीं बताना चाहती हूँ माहिरा। निजात साहब आप माहिरा को जाने दीजिए, मैं सब बताती हूँ आपको। मुझे माहिरा के मुंह से सुनना है। अगर मैंने आपको बताया तो आप अम्मी पे गुस्सा करेंगे और वो घर से चली जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा माहिरा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मुझे पता है कि आप चली जाएंगी जैसे पहले गई थी, अब ऐसा मत करना। क्या मतलब? आप मुझे बताए बगैर नहीं जाएंगी ठीक है? अगर आप मुझे खुदा हाफिज करेंगी और ये बता के जाएंगी कि आप कब वापस आएंगी तो मैं आपका इंतजार करूंगी। वादा करें मुझसे। वादा। चलो अब तुम जाओ। ठीक है निजात साहब तैयार हूं मैं। तुम एक नाकाबले एतबार शख्सियत हो। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, हैरी भी तुम्हारे साथ था।
बजाय इसके कि तुम हमारी जैसी बनो, हमारे अपनों ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया। तुमने हर एक को अपना जैसा बना लिया। उनका कसूर नहीं है, मैंने उनसे मदद मांगी थी। जब मैं सोचने लगता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसी वक्त तुम कोई अहमकाना हरकत कर देती हो। निजात साहब, तुम मेरे घर का निजाम खराब कर रही हो, समझ गई तुम? मैं निजाम खराब कर रही हूँ? आपको लगता है मैं माहिरा के लिए ठीक नहीं हूँ? शायद आप सही हैं। पहले वो बोट वाला मामला और अब ये। आप भी सोचते होंगे कि मैंने इस लड़की को 3 महीने की रकम पहले ही अदा कर दी, लेकिन ये तो इस लायक है ही नहीं। और सही भी है, लेकिन माँ के किरदार को कैसे निभाना है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। माँ कैसी होती है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक छोटी बच्ची का माँ के बगैर बड़ा होना कितना तकलीफदेह होता है। निजात साहब, अब जा रही हूँ मैं। आप ये सोचे कि जैसे आप मुझसे कभी मिले ही नहीं थे, बल्कि आपका नंबर भी डिलीट कर देती हूँ मैं, ताकि कभी कॉल ना कर सकूं। मैं माहिरा को प्यार करके उसे खुदाफिज कहना चाहती थी, मगर इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मुझ में, तो बस इसीलिए। और हाँ, उसकी कहानी अधूरी रह गई है, आप उसे सुना दीजिएगा। और रही बात पैसों की, वो जल्द आपको लौटा दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात काम ही क्यों ना करना पड़े। खुदा हाफिज। क्या वो मुझे देखना भी नहीं चाहती? उसे बताया कि मैं उससे खफा नहीं हूं? बहुत दफा बताया। क्या कहा उसने? करीम ने उसे ये सब बताया है। हांदे यहां क्यों आती है वो सब जानती है। उसे करीम ने बताया, अगर कोई औरत तुम्हारे घर आए तो इसका मतलब वो तुम्हारी अम्मी की जगह लेना चाहती है। इस बात का क्या मतलब? हाँ, करीम के बाबा की ऑफिस में किसी औरत से दोस्ती हो गई और वो दोस्ती आगे जाकर शादी में तब्दील हो गई। अब वो औरत करीम के घर में उसी के साथ उसकी मां की हैसियत से रहती है, तो माहिरा को लगता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। उसे लगता है मैं एलन को छोड़ के हांदे के साथ शादी करने वाला हूं। ऐसा ही है, और हांदे साहिबा की गाड़ी को खराब करने की यही वजह थी। उन दोनों ने मिलकर किया। सोना ने तो सिर्फ गाड़ी को साफ करने में मदद की, मैंने भी, यानी हम सब ने मिलकर। ये मुझसे क्या गलती हो गई सोना? क्या सोना? जिसके पास हर चीज का जवाब होता है, उसने ये नहीं बताया कि उसने नहीं किया। अब क्यों कॉल कर रही है मुझे? उनके सामने उनका नंबर डिलीट किया था, फिर भी कॉल कर रहे हैं। और हद तो यह है कि मुझे अब भी उनका नंबर याद है। इतना डांटने के बाद अब भी इनका दिल नहीं भरा। पता है आप कॉल क्यों कर रहे हैं? उम्मीद नहीं होगी कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन फिक्र ना करें, मैं आपके पैसे खाऊंगी नहीं। वैसे तो हम फोन उठा के बात करते हैं ना, ताकि जो बंदे से बात करे अच्छी तरीके से समझ सके। आपा, कुछ हुआ है क्या? बताओ, क्यों अपने फोन से कब से लड़ रही हो? सब खत्म, इस दफा सब खत्म हो गया। ये तो अच्छा हुआ ना कि सब खत्म हो गया, अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हुआ करेगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा सिलसिला अभी खत्म हो गया, वरना बाद में मसले होते ना। तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? क्या तुम रोई हो? ये सब गुस्से में हो गया बस, मगर मुझे 2 लाख का इंतजाम करना ही होगा। उफ, ओ खुदाया, कुछ जहेज के पैसे हैं मेरे पास अभी, बाकी तहसीन से ले आते हैं।
निजात से बात करनी पड़ेगी, शायद वो कुछ पैसे कम कर दे। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना और निजात से तो बिल्कुल भी नहीं, किसी की बात गौर से नहीं सुनता, हर किसी को अपने से कमतर समझता है, समझता है कि जैसे कि यहाँ पर सब गुलाम है उसके। ठीक है, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी, मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात उसके मुँह पे करके आनी थी ना। अब इस बात पे क्या अफसोस करना, तुम किस बात पे रोई हो, कोई और बात तो नहीं? नहीं और कोई बात नहीं है। देखो बात सुनो, तुम चीज़ों को अलग नज़रिए से भी तो देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम इस खेल में बुरी तरह फंस जाती और तुम्हें समझ भी ना आता कि मैं इससे कैसे निकलूं। अगर तुम्हें माहिरा से मोहब्बत हो जाती तो तुम उसे कैसे छोड़ती फिर? ये तो शुक्र करो कि ये सब होने से पहले तुमने खत्म कर दिया। अपा, मैंने माहिरा को खुदाहाफिज़ भी नहीं कहा, हालांकि मैंने उससे वादा भी किया था, मैं उसके बहुत करीब हो गई थी। इधर आओ मेरी जान, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है सोना, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो निजात साहब, डॉक्टर से आपके अपॉइंटमेंट के बारे में बताना था, 4 बजे आपकी मीटिंग फिक्स है, आप देर मत कीजिएगा, आप आ जाएंगे ना निजात साहब? अच्छा ठीक है, हम 4 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। ओके सर, खुदा हाफिज। तहसीन साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे अपनी रकम वापस चाहिए। देखिए आपको आपकी कॉफी शॉप मिल गई ना, और कागजात भी आपको दे दिए। वो रकम नहीं, भाई से जो हथियाई थी वो रकम चाहिए मुझे। ये किस तरह बात कर रही हैं मुझसे, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं और आपके बाबा आपस में बहुत तो अच्छे क्या दोस्त हैं। अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है तहसीन साहब? हाँ, एक तो आपने हमारा कर्जा 50,000 से 2 लाख कर दिया, ऊपर से भाई से भी पैसे हथिया लिए, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखिए आप मुझे गुस्सा मत दिलाए, क्या आपके बाप को इस बारे में पता है कि वो रकम आपने मुझे दी थी? जानता हूँ नहीं पता होगी, मैं अभी जाके बताता हूँ उन्हें। जो चाहे करें, लेकिन जो भाई ने आपको पैसे दिए थे मैं वो आपसे वापस लेकर आऊंगी, समझ गए आप? अगर बाबा मुझसे नाराज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चाहे हो जाए, मैं सबकी नजरों में आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं, आप किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आप मुझे वो पैसे वापस करें फौरन। रिफत बेटा। बाबा, क्या तुमने चाय बना ली? आपा अंदर हैं, वो ही कर रही होंगी। अच्छा। बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, ये तुमने आइसक्रीम बनाई है? जी बाबा। लाओ मुझे भी खिलाओ। नहीं बाबा, बस थोड़ी सी बनाई है। क्यों, किसके लिए बनाई है? ये अनीसा आंटी के लिए है, वो कितने दिनों से कह रही थी ना कि उन्हें अम्मी के हाथ की आइसक्रीम खानी है, तो सोचा मैं बना लूं। सोना कहाँ है? सोना तो सुबह ही चली गई थी और कह रही थी कि एक दो काम रह गए, वो निपटा के अनीसा आंटी के पास ही आ जाऊंगी। ऐसा कौन सा काम है? मैं नहीं जानती बाबा, अगर आप कहें तो मैं उससे बोल दूंगी, वो आपको कॉल कर देगी, ठीक है ना? ओहो बाबा, मुझे देर हो रही है, बस मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बस जल्दी से मुझे कोई टैक्सी मिल जाए, मैं बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अनीसा आंटी के यहाँ। ये आप क्या ले जा रही हैं? तुम्हारा सर। सब कुछ अजीब है मेरे दोस्त, फोन नहीं आया अभी तक। हो सकता है अब तक फैसला ना किया हो भाई। अब वो शादी के लिए महल थोड़ी ढूंढ रहे हैं, एक शूटिंग ही तो है, बस कैफे में आना है और शूटिंग करनी है, और क्या है इतनी सी बात में इतनी देर। तो एक काम करें ना कि आप खुद कॉल कर लें। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं किसी इंसान की आंखों में ना देखूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप आंखों पे कैसे देखेंगे, फोन पे कैसे देख सकते हैं आंखों में किसी की? हाँ सही कहा तुमने, वैसे मुझे लगता है कि मुझे वहां जाकर बात करनी चाहिए, मेरे हिसाब से यही तरीका बहुत अच्छा है, दूसरों से हटके है, यकीनन वो समझ जाएगा। तो फिर तय हुआ, मुझे वहां जाकर ही बात करनी चाहिए। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा जाना, कोई अच्छी खबर सुनाना। हाँ दे साहिबा, मुझे आयलन साहिबा के बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि आपको यकीन नहीं आएगा। और क्या है वो? ये ले आप खुद ही देख लें। क्या बात है जाना?
झूठी औरत। निजात साहब हैं अपने रूम में? जी हां दी साहिबा। हेलो निजात। हेलो हांदे। पूछना था कि अपनी बीवी को कितना जानते हो? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें धोखा दे रही है वो। क्या मतलब है? आइलिन ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ झूठ है। देखो असलियत पता चल जाएगी। अफ्रीका की एक कम्युनिटी है ये। पता चला कि वहां पर आइलिन नाम की कोई औरत नहीं रहती है और ना ही यहाँ के किसी फलाही इदारे ने उसे वहाँ पर भेजा था। मैंने खुद से तस्दीक की है। हांदे। मुझे बात खत्म कर लेने दो। असल बात तो मैंने अभी बताई नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों से आइलैंड इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं गई है। तुम उसे वहाँ अफ्रीका में ढूंढ रहे थे और वो यहीं पर इस्तांबुल में मौजूद थी। अफ्रीका तो वो कभी गई ही नहीं है। वो सब कुछ एक झूठ था बस। तुम आइलैंड की छानबीन करवा रही थी? बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। एक मिनट रुको जरा, ये बात सुनकर तुम जरा भी नहीं चौंके? जिस बात का मुझे इल्म हो मैं उस पर हैरान क्यों होऊंगा? क्या कहा? हेलो, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कल भी यहाँ पर आया था। वो दरअसल मुझे ऊपर जाना होगा निजात साहब के ऑफिस। देखें सर, अभी सब लोग मसरूफ हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर इंतजार करें उनका। आइलैंड साहिबा खुशामदीद। इस तरह क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या निजात साहब हैं? मुझे मिलना है उनसे। अब निजात साहब हो गया? पहले पुरसकून हो जाओ और गहरे गहरे सांस लो, ठीक है? निजात कहाँ है बुर्जू? वो है तो सही, लेकिन तुम ऐसे जा रही हो जैसे उसकी जान ले लोगी। अभी ये पैसे देने हैं उन्हें। इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? ये पैसे मैंने तहसीन साहब से लिए हैं। ये मैं निजात के मुंह पर मारूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। अब इसके आगे वो जो भी करे, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती बुर्जू। ठीक है मेरी जान, तुम किसी का एहसान नहीं लेती, लेकिन इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मैं जज्बाती नहीं हो रही। ये सब मैंने याद किया है और इससे मुझे काफी हौसला मिला है, और अब मैं जा रही हूँ ये सब खत्म करने के लिए। सोना, आइलैंड साहिबा। अफ्रीका की ये सारी कहानी मेरी बनाई हुई थी, तुमने बिला वजह ही ज़हमत की। ये सब माहिरा की खुशी के लिए किया, आइलैंड तो इसमें बस मेरा साथ दे रही है। माफी चाहती हूँ, पता नहीं था तुम यहाँ मौजूद हो। आइलन खुशामदीद। हाँ, इस बारे में हम बाद में बात करें क्या? बिल्कुल खुशामदीद। आइलन, मुझे तो लगा आपने हांदे को सब बता दिया होगा। नहीं बताया, मैंने कल कॉल की थी, क्यों नहीं उठाई? आपका नंबर डिलीट कर दिया था इसीलिए नहीं उठाई कॉल, लेकिन आपका नंबर मुझे याद था। ये लीजिए 52,500, बाकी बचे 147,500, वो भी जल्द लौटा दूंगी। आप चाहे तो लिख कर दे सकती हूँ मैं आपको। हाँ सोना, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैंने माहिरा से वादा किया था, मैं अपना वादा तोड़कर उसे छोड़ना नहीं चाहती। गुड बाय कहना चाहती हूँ उसे। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने कल रात एक लेटर तैयार किया है। इस लेटर में 2 बातें लिखी हैं मैंने। एक तो ये कि मैं उससे ये कहूँ कि मैं एक ज़रूरी काम के लिए जिम्बाब्वे वापस जा रही हूँ, और दूसरा ये कि मैं उसे सब सच बता दूँ, यही कि मैं उसकी माँ नहीं लेकिन एक बड़ी बहन की तरह मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद मैं उससे उसकी माँ बनने और झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग लूँगी। बताएं क्या करूं? आप जैसा भी चाहेंगे वैसा करूंगी मैं। मैं चाहती थी ये सब कुछ डॉक्टर के दिखाने के बाद होता।
तुमने अपनी माँ को कब खोया? जब मैं 3 साल की थी। माहिरा इस वक्त घर पर है, अगर चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। तो फिर क्या बताऊं मैं उसे? मुझे लगता है उसे सच बता देना चाहिए, क्योंकि माहिरा एक बहादुर लड़की है, उसे सच जानने का पूरा हक है। मैं भी यही सोच रहा हूं। तो फिर ठीक है, मैं अपना मुंह धो लूं जाके, फिर बाहर आपका इंतजार कर रही हूं। यस निजात साहब, क्या कोई इमरजेंसी है ब्रजो? एक बात बतानी थी आपको, सोना ने वो 2 लाख लीरास अपने लिए नहीं लिए थे। उसकी फैमिली बहुत मुश्किल में थी, कॉफ़ी हाउस खोने वाले थे, मजबूर थी वो। आपके उन पैसों से उसने अपने कॉफ़ी हाउस को बचाया। आपको अपने पैसे वापस चाहिए होंगे, मैं जानती हूँ, और ये आपका हक भी है, मगर आपको थोड़ा और वक्त देना चाहिए। सोना कुछ भी करके आपके पैसे वापस लौटा देगी, मैं जानती हूँ अच्छी तरह, बेफिक्र हो जाए। आयशा मैं जा रहा हूं, कोई काम हो तो कॉल कर देना। रिफत भाई। सोना, रिफत भाई प्लीज मत जाए, रुक जाए। निजात साहब का मेरी बहन से क्या लेना देना है? हेलो हैरी साहब। सानिया, मैंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी आइसक्रीम कभी नहीं खाई, यहां तक के मायरा के हिस्से की भी खा गया मैं। मुझे बहुत खुशी हुई। खैर, आप मायरा को निजात साहब के हिस्से में से दे दीजिएगा, या फिर सोना के हिस्से में से। सानिया, मैं उन सब के हिस्से की आइसक्रीम खा चुका हूँ, मेरे पास तारीफ के अल्फाज नहीं है, बहुत लजीज, बहुत जायकेदार थी। ओहो, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने भी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाई थी। कोई भी मजे की डिश बनाने के लिए सही अज्जाद बहुत जरूरी होते हैं। वैसे ये तरकीब मेरी अम्मी की थी, इसलिए मुझसे इतनी अच्छी बन गई। मैं दोबारा भी ऐसी आइसक्रीम खाना चाहूंगा, क्या आप खिलाएंगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल ले आऊंगी। ठीक है, आपको कुछ और तो नहीं कहना? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो अनीसा, मैं शौकत बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक और बच्चे भी ठीक हैं। दरअसल बात यह है कि सानिया आपकी तरफ ही आ रही थी, उसका इरादा था कि वो आपके घर रुकेगी। ओह, तो वो नहीं आई है? समझ गया, बिल्कुल ठीक है, फिर बाद में बात होती है, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। बात सुनो, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, कैफे पे नजर रखना, ठीक है बेटा? ठीक है अंकल, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं संभाल लूंगा। हाँ। सब वैसे पहले का दौर बहुत अच्छा था। ऐसा ही। क्या हाल है? ठीक है भाई। हिकमत, सानिया आज जहाँ गई थी वहाँ कुछ भूल आई है, तो तुम में से कौन उसे वहाँ छोड़कर आया था? मैं उसे छोड़ के आया था शौकत भाई।
आइलैंड साहिबा। अम्मी। मायरा। मेरी जान, क्या मुझे गले नहीं लगाओगी? अभी तक नाराज हो? मैं आपसे बात नहीं कर रही, लेकिन आप अम्मी को अपने साथ लेकर आए हैं तो आपको माफ किया जा सकता है। देखो मेरी जान, मुझे पता है तुमने हांदे आंटी की गाड़ी क्यों खराब की थी, लेकिन जैसा तुम सोच और समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है मायरा। तुम्हारी मॉम और मैं अलग नहीं हो रहे, और हांदे आंटी सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त हैं, और वो हमेशा मेरी दोस्त रहेंगी। समझ गई मेरी जान? तो फिर अम्मी को जाना क्यों पड़ रहा है बाबा? क्योंकि बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को कुछ चीजें नहीं बता पाते जितना बेहतर डॉक्टर अंकल या डॉक्टर आंटी आपको बता सकती हैं, बस इसलिए। ठीक है ना? और उन्हें मुझे क्या बताना है? क्या माहिरा और मैं 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? माहिरा, क्या तुम्हें याद है मैंने जो अफ्रीका के बच्चों के बारे में तुम्हें बताया था? जी, वही बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते। मुझे उन बच्चों के पास जाना होगा, उन्हें बहुत जरूरत है मेरी। क्या आप उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं? कभी नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम बहुत समझदार बच्ची हो मेरी, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ को समझ सकती हो, और मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें बगैर बताए नहीं जाऊंगी। मैंने वादा पूरा किया। आप मुझे छोड़कर जा रही हैं ना? मेरे जाने के बाद बिल्कुल उदास मत होना, ठीक है बेटा? नहीं होंगी उदास मैं, लेकिन आप लेटर जरूर लिखना। बिल्कुल लिखूंगी। और आप मुझे उन बच्चों की तस्वीरें भी भेजिएगा, तो फिर मुझे लगेगा कि आपने उनकी माँ की जगह ले ली है, और फिर मैं उदास नहीं होंगी। जरूर भेजूंगी। तुम अपने बाबा का बहुत ख्याल रखना। मैं भी लिखना सीख लूंगी, और फिर मैं खुद ही लेटर लिखकर अपनी फोटो डालकर आपको भेज दिया करूंगी। आप भी अपनी फोटो जरूर भेजिएगा। वादा। आप कब वापस आएंगी? कुछ मालूम नहीं। खुश रहो। माहिरा का दिया हुआ कॉफी मग क्या साथ ले जा सकती हूँ मैं? ठीक है मैं लाता हूँ। रहने दे, मैं ले लूंगी। क्या आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना था? लगता है हमने देर कर दी। सोना, ये क्या है? मुझे पता है तुमने वो रकम कहां खर्च की, ये रख लो तुम। ये आपका मसला नहीं है। सोना प्लीज रख लो ये। माहिरा का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।